बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। बाइक सवार दो बदमाशों ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी के पति को दिखाया तमंचा। सुडुकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद इलाके में ग्राम प्रधान देश के लिए अंजू चुनावी मैदान में है। बुधवार रात करीब 12:30 बजे अंजू के पति सोनू नोटियाल घर के बाहर से कुछ लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान स्पेंडर बाइक पर दो युवकों ने उनके घर के 2-3 चक्कर लगाए। इसी दौरान पीछे बैठे व्यक्ति ने सोनू को तमंचा दिखा दिया। सोनू नोटियाल ने तमंचा देखते शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। बाइक सवार दो बदमाशों ने ग्राम प्रधान प्रत्याशी के पति को दिखाए तमंचे। आसपास के लोग जब तक बाइक सवार बदमाश को पकड़ते, तब तक बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गया। इस घटना के इलाके में जहां दहशत का माहौल है, वहीं लेकर लोगों में भारी रोष है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची सड़कुल थाना पुलिस ने जानकारी जुटाने के साथ पूरे इलाके में चेकिंग अभियान चलाया। कमेटी के नाम पर हड़प ली लाखों की रकम, आरोपी ने दे दी जान मारने की धमकी। ग्राम प्रधान पति सोनू नोटियाल का आरोप है कि दोनों बदमाशों ने उनको तमंचा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। आसपास के लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, उन्हें पहचान भी लिया। फिलहाल पूरे पुलिस मामले की पड़ताल में लगी है। आज रात को घटना हुई थी, क्या था पूरा मामला? घटना ये थी, कुछ लोगों ने तीन लोग थे, मैं बाइक पे थे और तीनों लोगों के पास हथियार थे और तीनों लोगों ने हमला करने की कोशिश की। जब लेडीजों ने शोर मचाया, ये तो मोहल्ले वाले और जो समर्थक थे हमारे पास में, क्योंकि चुनाव का माहौल चल ही रहा है, चुनाव के माहौल में ऐसा रहता ही है, तो वो लोग क्या नाम है भागने लगे। जब भागने लगे तो हमारे लोगों ने भी उनके पीछे बाइक और फोर व्हीलर लगानी स्टार्ट कर दी। तो वो आगे कुछ लोग, जब हम जा रहे थे तो कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, फोर व्हीलर नहीं जा पाई, उसका फ़ायदा उठाकर वो भाग निकले। कहाँ की घटना है और मामला क्या? हमारे घर के ही। हाँ, कौन लोग हैं? लोग ये हैं, देखिए जी, SC समाज में, मतलब हम दलित है और दलित समाज में हम क्या है, अकेले प्रत्याशी खड़े हैं, क्योंकि यहाँ का जो वोट बैंक है लगभग 12,600 के समथिंग है और 12,600 में 8,000 SC समाज की वोट है यहाँ पर, और SC समाज में मैं अकेला खड़ा हूँ और अकेला खड़ा है। इस चीज़ की जो धमकियाँ है वो पहले भी आती रही कि आप क्यों खड़े हो रहे हो, आप बैठ जाओ अपनी SC सीट में लड़ना, आप ऐसे क्यों इस सीट पे आकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए उन लोगों को खतरा होने लगा, क्योंकि SC समाज का वोट बैंक 8,000 है, अगर ये कहीं एक तरफ पड़ जाए, लोगों का रुझान और लोगों का समर्थक देख के, जनता का समर्थन देख के हमारे साथ में वो लोग बौखलाए हुए हैं। शायद किसी अज्ञात लोगों ने इस हमारे ऊपर हमला कर दिया। जो तीन लोग थे उन लोगों के हाथ में हथियार किस तरह के थे? उन लोगों के जो हथियार थे वो तमंचे थे, तीनों के हाथ में थे। तीनों के हाथ में थे जी। तो पता कैसे लगा कि वो आपके ऊपर ही वार करने के लिए आए हैं या हमला करने के लिए? क्योंकि पहले वो 10-15 मिनट तक ऐसे ही घूमते रहे और 10-15 मिनट के बाद जब वो हलचल होती रही, वो घर के सामने घर की तरफ को ताकते रहे, तो फिर हमें लगा यार कुछ गड़बड़ है, चलो नीचे चल के देखते हैं एक बार को। तो एक दो लोग हम नीचे आए, मैंने कहा भाई क्या, तो मैं तुरंत आए और तुरंत आके गली में से निकल के तुरंत आए मैं, क्योंकि गली में चले गए, तो गली में से निकल कर तुरंत आए और उन्होंने तब हथियार निकाले, ऐसे करे, तब शोर मचाया, तब उनके पीछे भागे हम। ऐसा तो नहीं कि आपके ऊपर तान दिया हो, हथियार किसी के ऊपर तान दिया हो, हवा में लहराया हो? हवा में लहराया है। अच्छा, कितने तमंचे होंगे? तीनों पे थे, एक एक था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रावली महदूद, ब्रह्मपुरी रावली महदूद से। अच्छा, अभी कहाँ पर अभी शिकायत किसको किया है? मैंने SO साहब को थाने में शिकायत की है। लिखित शिकायत दिया मौके पर? लिखित शिकायत दी है, रात मैंने 112 नंबर पे फ़ोन भी किया था। अच्छा जी, रात मौके पे नहीं गई? पुलिस रात मौके पे पहुंची थी, उन्होंने बोला लिखित में भी एक शिकायत। हरिद्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, रणविजय कुमार।